हमने धनवान व्यक्ति और लाजर के बारे में सुना है कि जब दोनों की मृत्यु होती है तो लाजर अब्राहम के गोद में होता है, परमेश्वर के गोद में होता है, लेकिन धनी व्यक्ति नरक की आग में जल रहा होता है। जब तक उस धनवान व्यक्ति के पास मौका था, उसने अपने भोग विलास में रहकर परमेश्वर को ना जाना, लेकिन जो गरीब व्यक्ति लाजर था वह परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहा और अंत में वह परमेश्वर की गोद में जा बैठा और धनवान व्यक्ति नरक की आग में जल रहा था। और जब धनवान व्यक्ति ने अब्राहम से कहा कि हे पिता, लाजर को धरती पर भेज दे कि मेरे परिवार वालों को बताए कि नरक की आग कितना खतरनाक होता है, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरे परिवार वालों के पास भी बाइबिल है, वह उसे पढ़ सकते हैं और उद्धार पा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे पास भी बाइबिल है, हमारे पास भी उद्धार पाने का एक जरिया है, लेकिन फिर भी यदि हम जानबूझकर इसे इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं और केवल अपने भोग विलास में रहते हैं, तो याद रखिए उस धनवान व्यक्ति के जैसा हमारा भी जीवन।